हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली इश्यूज इन्फॉर्मेशन। तो टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। अगर आप IDBI बैंक में खाता खुलवाना चाहते हो और उसका फॉर्म भी आप ले आए हो या फिर आपने ऑनलाइन निकाला, तो उस फॉर्म को आप कैसे भरना है या कैसे भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उस चीज़ के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और आप जो सेविंग अकाउंट का फॉर्म है वो आप अपने आप भर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हम डाल देंगे जिस दिन फॉर्म आप सबमिट करने जाओगे आपको यहाँ पे उस दिन की डेट डालनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आप अकाउंट सोलो खुलवा रहे हो या जॉइंट। सोलो मतलब होता है अकेले या फिर किसी के साथ, तो यहाँ पे मैं सोलो का कर रहा हूँ। अगर आप जॉइंट करा रहे हो तो आपको अपने साथ वाले का सारी डिटेल आपको एक एक करके देनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो क्या क्या जो जो डिटेल आप दोगे वही डिटेल आपके साथ वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले ये सेविंग अकाउंट पर हम टिक कर देंगे और यहाँ पे आपको डालना है अपना ब्रांच नेम, जो भी आपका ब्रांच नेम है वहाँ यहाँ वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ नहीं डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, सत्यम कुमार। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो आपको जॉइंट वाले का भी यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है। और यहाँ पे मदर नेम डालना है, फर्स्ट एप्लीकेंट का और सेकेंड एप्लीकेंट का भी मदर नेम डालना है अगर जॉइंट अकाउंट है तो, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, मेल, मैरिड स्टेटस अगर मैरिड है या सिंगल है या डिवोर्सी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी सिटीजनशिप, ठीक है। और यहाँ पे आईडी नंबर दे सकते हो तो देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, यहाँ पे आपको देना है पैन नंबर और यहाँ पे आधार नंबर। अगर वो पैन नंबर लिंक है आधार कार्ड से तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है, ठीक है। मैं इसको यस कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देना है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आप टेलीफोन नंबर या कुछ और टेलीफोन नंबर तो वो आप वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। सेकंड एप्लीकेंट में आप भी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। अब यहाँ आ जाएगा उसका एड्रेस, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेंट का है। फर्स्ट एप्लीकेंट करना एड्रेस डालना है विद पिन कोड के साथ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। और अगर लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। सेकंड एप्लीकेंट में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और ये चीज़ आपको भरनी नहीं है क्योंकि ये है अगर आप कंपनी का पार्टनरशिप या पार्टनरशिप का अकाउंट खुला रहे हो तो ये उस चीज़ के लिए है। अब हमको नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। इनिशियली पेमेंट आप कुछ कर रहे हो अकाउंट में तो वो मैं यहाँ पे 10,000 कर रहा हूँ कैश में और सेविंग अकाउंट में कर रहा हूँ, दैट्स इट। हाँ, और ये है FD के लिए है पूरा। अगर आप FD करा रहे हो तो आपको भरना है, ये FD नहीं है, मैं केवल सेविंग अकाउंट खुलाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो उस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया है ये है नॉमिनेशन के लिए, आपको यहाँ नॉमिनेशन भरना है जिसको आप ऐड कर रहे हो उसका एड्रेस पूरा विद पिन कोड के साथ, उसका क्या रिलेशनशिप है अब वो आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पे और कुछ नहीं डालना है। और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप विद ग्रेजुएशन विद गार्डियंस, अगर वो कोई और है तो यहाँ पे गार्जियंस की डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे कुछ नहीं करना और यहाँ पे उसको आपको सिग्नेचर कर देने हैं उसके और यहाँ पे आपको अपने कर देने हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ये आपको भरना नहीं है, ये केवल बैंक वालों के लिए है, सॉरी ये केवल जो सैलरी अकाउंट खुलता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उसके लिए है, हैं। अब क्या कहते हैं यहाँ पे दूसरी आ जाती है KYC इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि ये अकाउंट इंडिविजुअल का है तो यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, यहाँ पे फादर नेम मदर्स नेम। सेकंड एप्लीकेंट है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ और बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, आपके चलिए डिपेंडेंट कितने हैं आपको वो डालना है, वाइफ आपके बच्चे कितने हैं, हैं रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन अबव एजुकेशन में हैं, ऑक्यूपेशन में सर्विस कर देना है प्राइवेट सेक्टर में, जो भी आपका गवर्नमेंट सेक्टर तो गवर्नमेंट सेक्टर कर देना है, हैं। यहाँ पे आपको कंपनी या और आप किस गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो यहाँ पे आपको वो डिटेल देनी है। अगर आप कोई CAW या कुछ और भी कर हैं हो, डॉक्टर वगैरह हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, एनुअल इनकम 5 लाख 1 लाख जो भी आपकी है, रिलीजन हिंदू, कैटेगरी OBC और यहाँ पे रेजिडेंस ऑन हाउस लीज पे है वो डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और आपको कुछ करना नहीं है, ये आउटसाइड इंडिया के लिए है तो ये आपको कुछ भी भरना नहीं है। अब हम आ जाएंगे चौथे और लास्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। अगर आप
तीन चार पांच और एप्लीकेंट हैं तो उनकी भी आपको क्या कहते हैं यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे। फ़ोटो आपको एक और फॉर्म ले जाके केवल ये वाला वो भर के देना होगा, ठीक है। और आपको कहीं कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आपको कर देने हैं साइन, यहाँ डाल दे दिए डेट बस। और ये फॉर्म ले जाके इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड देना है और पैन कार्ड देना है और कुछ नहीं देना है, और बस वो आपका अकाउंट खुल जाएगा। 10,000 का आपने कैश में पेमेंट कर ही रहे हो। अगर कैश में नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक भी है, ये देखिए यहाँ पे आपको चेक नंबर डालना है, डेट डालनी है, किस बैंक से है, ब्रांच, बस ये डिटेल दे के आपका क्या कहते हैं वो जो चेक था वो आपके इस अकाउंट में, जब अकाउंट खुल जाएगा तो वो इस अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर कैश में करा रहे हो तो कैश में भी आपका ये अकाउंट खुल जाएगा और हो जाएगा। तो दोस्त अब तो हैंड टू हैंड हो गया, पहले टाइम लगता था, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी। इनके साथ आपका कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे ही टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।